बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट अमन और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी फूड यूट्यूब चैनल। आज मैंने अपने चैनल पे बनाए हैं कप केक्स। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाएँ और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सबसे पहले हम लोग गरम गरम दूध लेंगे, उबलता हुआ दूध लेंगे एक कप, धुआं निकलता हुआ। ओके जी, एक कप ही हम इसमें डाल देंगे मोटी चीनी। और अच्छा सा मिक्स कर लेंगे एक मिनट। और इसको साइड पे रख देंगे। अब का मेजरमेंट है 250 ml, ठीक है। ये मैं 2.5 कप डालूँगी, यानी के 650 ml आप कह लें। और 2.5 कप ये वैसे बनेगा बेकिंग, सॉरी 2.5 कप बनेगा मैदा। इसको अच्छी तरीके से छान लेंगे। वन टीस्पून हम इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर। और इसमें हम लोग डाल देंगे चॉकलेट चिप्स। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चॉकलेट चिप्स आप जितने मर्जी डालें, लेकिन एक कप डाल दें या एक कप से कम डाल दें, हाफ कप डाल दें, यह आप पर है। लेकिन 2.5 कप अगर आप मैदा ले रहे हो तो एक कप से ज़्यादा चॉकलेट चिप्स मत डालिएगा। ओके जी, ये हमारे पास जो गरम दूध हम लोगों ने रखा हुआ था ये वो है। और इसमें जो है मैंने 1/4 कप जो है वो, सॉरी 1/3 कप घी ऐड किया। आप चाहे तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, बटर भी ऐड कर सकते हैं, देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल जो घर का घी होता है, वो नॉर्मल घी जो होता है, मैंने वो ऐड किया। अब इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। वन फोर्थ कप मैंने इसमें जो है वो घी ऐड करके इसको अच्छा सा मिक्स कर दिया। और अब हम इसमें डालेंगे खुशबू के लिए वनीला एसेंस डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब। ओके जी, एक अंडा डाल देंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे। ओके जी, अब हम लोग अपने लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डालकर मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इनको मिक्स करेंगे।
इसको अच्छा से हमने मिक्स कर दिया है। इसके जो लम्स है वो हम लोगों ने ख़त्म नहीं करने, और जिस तरह से लम्स है उनको रहने देना है। और थोड़ा सा बैटर हमारा जो है वो सख्त भी रहेगा केक की निस्बत। और इसमें मैंने चॉकलेट चिप्स इसलिए डाले थे ताकि ये जो हमारे बैटर में जब हम लोग नीम गर्म दूध डालेंगे तो चॉकलेट चिप्स जो हैं वो मीठे होते हैं और एक उनका अलग से अच्छा सा टेस्ट होता है। तो जो हमारे केक्स हैं उनका एक अलग सा अच्छा सा टेस्ट आएगा। अगर आप चॉकलेट चिप्स नहीं डालना चाहते तो आप इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो कोको पाउडर ऐड कर सकते हैं। ओके जी, यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है जिसमें हम लोगों ने केक बेक करने, और इन पे जो है ना अच्छा सा ऑयल लगा दूंगी। ओके जी, 10 मिनट हो गए हैं। माइक्रोवेव ओवन भी जो इलेक्ट्रिक ओवन भी हमारा जो है वो प्री हीट हो गया है, और कपकेक्स भी हमारे सेट हो गए हैं। अब हम इसको 25 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। और जो हम रॉड है वो नीचे वाले ओपन करें, नीचे वाले ऑन करेंगे, ऊपर वाले ऑन नहीं करेंगे। ओके जी, केक कपकेक्स जो हैं वो हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और अब हम इनकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। तो तैयार है मज़ेदार किस्म के हमारे कप केक्स। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाएं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।